कि अबू यूसुफ के परिवार ने बहुत बड़ा खुलासा किया। यूसुफ के भाई ने कहा कि उसके पास आईएस जैसा दिखने वाला झंडा था, तो पिता ने कहा वो दुबई और सऊदी अरब भी होकर आ चुका है। वहीं बहन का यह कहना है कि वो लगातार शहर बदलता था, यूपी के अलावा उत्तराखंड महाराष्ट्र के शहरों में वो रह चुका है। तो ये परिवार की तरफ से बड़ा खुलासा। यूसुफ की बहन का यह कहना है कि लगातार वो शहर बदलता था और ऐसे में यूपी के अलावा उत्तराखंड महाराष्ट्र में भी वो रह चुका है। थोड़ा बहुत सामान था। क्या था सर? वो तो वही तो मालूम नहीं मुझे। झंडे पे क्या लिखा हुआ था? झंडे पे लिखा था अल्लाह अकबर, बीच में लिखा था और ऊपर वाइट कलर में लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। तो आप वो झंडे को पहचानते हैं? हाँ, वो झंडा पहचानता नहीं होता, पहचानता मैं नहीं हूँ। मैं कभी आया इसका कभी देखा नहीं कैसा होता है, बस वो झंडा रात में देखा तो वही पढ़ा अरबी में। बीच में क्या लिखा था? बीच में अल्लाह अकबर लिखा था, ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिखा था। और किस कलर में झंडे थे? ब्लैक कलर में थे, वाइट कलर में लिखा था। ये पहले शुरू में तो दुबई गए हैं, उसके बाद में सऊदी गए हैं, लास्ट में यहाँ हुआ है। जो फिर अपने इंडिया में, यहाँ अपने इंडिया में यहाँ चार छः जगह रहे, बम्बई रहे, दिल्ली रहे, उसके बाद में जो है यहाँ उत्तराचल रहे, रायपुर रहे, यहाँ पाकिस्तान में गए। हैदराबाद गए, हैदराबाद से पता नहीं कितने दिन रहे, कुछ नहीं पता। हैदराबाद से फिर दुबई शायद गए, दुबई गए तो वो टूरिस्ट वीज़ा था 6 महीने का, और उसके बाद में वो सऊदी चले गए। सऊदी में जहाँ गए तो मतलब जो उनका वो था बॉस, वो ज़्यादा उन्हें अच्छी सैलरी नहीं देता था, जिसकी वजह से वो पासपोर्ट छोड़ के चले गए। तो 5 साल वो कुछ महीने जेल में थे, जिसकी वजह से पुलिस वहाँ की पुलिस उन्हें भेज दी बिना पासपोर्ट के।